हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स एक्स वाई के लिए आपको यहाँ पे इंग्लिश का फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश के 20 क्वेश्चन लिए, पैसेज भी देख लीजिए लिया है, तो 20 में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। पैसेज को लास्ट में देख लेंगे, सबसे पहले इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, लिखा क्या है, चेंज द वॉइस आपका दिया गया है, ये आपके फिक्स क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जो आते हैं, वॉइस आपके नरेशन, रिम्यू टू और पीक्यूआर जो जंबल वर्ड होते हैं, वो वाले क्वेश्चन ये आपके फिक्स होते हैं, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन लगभग आपके फिक्स हैं जो आने ही आने, पंचुएशन भी कभी कभी आ जाता है या फिर ये आ जाता है उसके बारे में, नाउन पर नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब पहचानना, ठीक है। तो चलो अगला स्टार्ट करते हैं। 5वां नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, चेंज द वॉइस आपका दिया गया है, चेंज द वॉइस, ठीक है। वॉइस आपके दो ही होते हैं, या फिर एक्टिव वॉइस दिया होगा या फिर पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में आपका दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि मस्ट को मस्ट बी में शायद कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए लिखा क्या, आई मस्ट हेल्प द पुअर, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस में दिया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या हो सकता है। तो मस्ट का मस्ट बी होता है, रूल ये चलता है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन तो आपके आराम से गलत हो गए, मस्ट बी इन दोनों में दिया नहीं गया, या तो पहला हो गया तो फिर आपका दूसरा होगा। और द पुअर जो है वो ऑब्जेक्ट का है, उस सब्जेक्ट के आप लोग पता हो, ये पीछे वाला शब्द आगे आ जाता है, या फिर ऐसे कर सकते हो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का रूप लेता है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे द पुअर मस्ट बी हेल्प बाई मी, और आई का मी में कन्वर्ट होगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सही है। और यहाँ पे सब्जेक्ट इसको बनाना पड़ेगा, द पुअर को, आई को नहीं ले सकते हो, ठीक है। चलो अगला दिया गया, पंचुएट द फॉलोइंग आपका दिया गया है, 6ठा नंबर प्रश्न आपका, राइट ऑप्शन देखिए क्या होगा। मैग छठे का देखिए, मे गॉड फॉरगिव द लीडर, मे गॉड फॉरगिव द लीडर, तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा छठवें का। यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है, मे गॉड फॉरगिव द लीडर, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह का प्रयोग करके खत्म किया जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे चौथा। अगला दिया, चेंज द नरेशन दिया, नरेशन आपके दो होते हैं, या फिर डायरेक्ट बन सकता है या फिर इसको इनडायरेक्ट बनाओ, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्म में ये दिया गया, सी सेड डैश आई मस्ट गो, अब बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या बन सकता है। 7वें नंबर का राइट ऑप्शन क्या बनेगा, देखो क्या आप लोगों को ये बता दे, जो नरेशन होता है उसमें मस्ट का मस्ट ही रहता है, मस्ट का मस्ट ही रहता है, मस्ट भी नहीं रहेगा, मस्ट का मस्ट भी रहता है केवल पैसिव वॉइस में। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें तो मस्ट का मस्ट ही रहेगा, तो ये दो गलती हो गई, इसमें मस्ट भी मस्ट हैव कर दिया, गलत हो गए दोनों, ठीक है। डायरेक्ट में मस्ट का मस्ट रहता है, ठीक है। अब लिखा है, सी सेड डैट आई मस्ट होगा कि सी मस्ट होगा, ये आई है जो आपका, वो आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन में आता है, आई जो आता है फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे या किसी के नाम होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में एस आता है और सेकंड में ओ, थर्ड पर्सन एन, एस मतलब होता है सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन आई और वी, ओ जो ऑब्जेक्ट है यू, यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, और जो ही सी इट दे किसी के नाम है वो नो चेंज नहीं चेंज होते, वो वही लिखे रहने देते हैं। तो फिर बात करते हैं, यहाँ पे आई है, आई मतलब फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से, सी सी के हिसाब से लड़की मतलब सी ही आएगा आपका, ठीक है, आई के हिसाब से सी आएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला दिया, रिम्यू टू फ्रॉम द फॉलोइंग, राम इज टू एक्ट टू नॉट टू वर्क, 8वां नंबर प्रश्न आपका दिया गया है। तो सबसे पहली बात, टू की जगह सो लगाते हैं, सो लगा देते हैं, ठीक है, चलो सो लगा देते हैं, और डैट ही कैन वाला रूल चलता है आप लोगों का, ठीक है। राम इज टू एक्ट टू नॉट टू वर्क, अब इसका बताइए राइटवें का, आठवें का राइट ऑप्शन क्या बन सकता है। चलिए, तो राइट ऑप्शन मेरे हिसाब से आपका यही बन जाएगा, राम इज सो टू डैट ही कैन नॉट वर्क। अगला दिया गया है, स्पोर्ट द मिस स्पेल, दोस्तों आपका दिया गया है, 9वें नंबर में क्या है, काउंटर फिट की स्पेलिंग गलत दी गई है, सी ओ यू एन टी ई आर, काउंटर फिट, एफ ई आई टी, एफ आई ई टी नहीं होता, एफ ई आई टी होता, देख लो एफ ई आई टी होता है, काउंटर फिट यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आपका दिया गया है, ठीक है, काउंटर फिट। चलो चलो अगला देखते हैं, यहाँ पे दिया अबेट, मतलब कि साइनोनियम पूछा गया है, अबेट दिया गया ए बी ए टी ई, अबेट, चार ऑप्शन को देख लीजिए राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। अबेट माने होता क्या है, मतलब कम करना, अबेट कम करना, आप लोग वेट क्या करते हैं, कम करते हैं, तो अबेट ऐसे कर लो ना, तो कम करना का लेसन माने भी होता है कम करना, लेसन माने भी क्या होता है, कम करना। यहाँ पे दिया गया आर्गूमेंट, आर्गूमेंट माने तो बढ़ाना, सप्लीमेंट माने होता है जोड़ देना, इंटेंसीफाई माने होता तेज। अगला दिया एक्साइटमेंट, सॉरी कमोशन दिया गया, कमोशन का क्या होगा, डबल एम लगता है कमोशन में, आपका नो एरर में आ चुका है, ठीक है। तो 11वें नंबर का भी साइनोनियम है, तो हल्ला गुल्ला होता है ये सब का, मतलब कमोशन मैंने हल्ला शोरगुल,
या फिर ठीक है ऐसे कह सकते हो, तो इसका एक्साइटमेंट भी हो सकता है। एक्साइटमेंट माने उत्तेजित हो या हल्ला गुल्ला हो या फिर ठीक है इसका मतलब हल्ला गुल्ला होना या फिर उस उत्तेजित टाइप का होता है। ठीक है तो अच्छी बात है। फिर काल माने शांत होता, बून माने वरदान, क्वाइटनेस माने क्या होता है शांति। ठीक है अगला दिया गया है यहाँ पे, चारों ऑप्शन किस लिए बता दे रहे क्योंकि कोई भी पेपर में आ सकता है। अब काल माने क्या होता है शांत, ठीक है तो आ सकता है ऐसा। 12-13 नंबर दिया है, चूज एप्रोप्रिएट एंटोनियम फॉर द गिवन वर्ड। विजिलेंट माने क्या होता है, विजिलेंट माने दोस्तों होता है जो सावधान हो, चौकन्ना हो, चौकस हो या सतर्क हो थोड़ा। ठीक है तो एक तरफ सावधान एक तरफ केयरलेस है, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए था। रुकिए एक मिनट, हाँ केयरलेस ठीक है। अगला दिया गया है तो इनअटेंटिव माने क्या होता है बताइए, इनअटेंटिव माने क्या होता है असावधान। देखो चारों ऑप्शन को देखते हैं फिर राइट ऑप्शन देखिए क्या बन सकता है। असावधान हो जाएगा इनअटेंटिव माने, और परफंक्ट्री माने क्या होता है, परफंक्ट्री माने आप लोग कह सकते हो कि असावधान कह सकते हो, इसके माने भी असावधान कह सकते हो। ठीक है और नेग्लिजेंट माने भी क्या कह सकते हो, लापरवाह, लापरवाह। केयरलेस माने भी केयरलेस जो लापरवाह कह सकते हो। तो चौथा ही सही है, ठीक है ये दोनों में दोस्तों डाउट है। तो पहला क्योंकि कि नेग्लिजेंट माने भी हो सकता है लापरवाह, और केयरलेस माने भी होता है लापरवाह, जो केयरलेस हो ध्यान ना दे लापरवाह टाइप का। तो आप लोगों का बताइए राइट ऑप्शन पहला और चौथे में क्या लगाया आप लोगों, ठीक है पहला और चौथे में दोनों में डाउट है क्योंकि दोनों का मतलब यही होता है लापरवाह। तो आप लोग देखो कोई भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है दोनों ऑप्शन हो सकते हैं जो ऑप्शन दिया जाए। ठीक है देखिएगा डिस्डेन माने क्या होता है, डिस्डेन। चलो अगला दिया कि डिस्डेन माने दोस्तों क्या होता है, डिस्डेन माने क्या होता है, डिस्डेन माने होता है तिरस्कार या अपमान। डिस्डेन माने होता है अपमान, ठीक है अपमान होता है। तो इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट माने होता है एक तरफ अपमान कर रहे हैं और एक तरफ क्या होगा, सॉरी इसका कहाँ है 13 नंबर प्रश्न है, 13 नंबर, 13 नंबर का दूसरा, एक तरफ अपमान कर रहे हैं और एक तरफ अप्रूव, एक तरफ अपमान कर रहे हैं या तिरस्कार कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं या अवहेलना कर रहे हैं, और एक तरफ क्या कर अप्रूव कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, मंजूरी दे रहे हैं। स्क्वायर मतलब डांटना, डिमोरिस माने नष्ट करना, लोथ माने क्या होता है आप लोग बताइए, लोथ ये आपको पिछले प्रैक्टिस में बताया भी था, लोथ माने घृणा करना, ठीक है घृणा करना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक तरफ ये सारे तीनों निगेटिव सेंटेंस में जा रहे थे, केवल ये अप्रूव आपका पॉजिटिव में जा रहा था, ऐसे भी समझ सकते हो। डिस्डेन माने अपमान करना या तिरस्कार करना या किसी की अवहेलना करना, तो एक तरफ हो जाएगा स्वीकार करना, ठीक है मंजूरी देना, समर्थन करना, अप्रूव माने समर्थन करने भी होता है, एक तरफ तिरस्कार कर रहे हैं, एक तरफ समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरा बिल्कुल सही। अगला देखते हैं 14 नंबर, द फोर्थ स्टेट का 14 नंबर का बताइए क्या हो सकता है। 14 नंबर का राइट ऑप्शन आपका बनेगा द प्रेस। अगला दिया गया है यहाँ पे लिखा है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर कीप्ट फॉर पोस्टमार्टम। मुर्दा घर जानते होंगे मॉर्चरी, या डेड बॉडी रखी जाती है मॉर्चरी होती है, स्पेलिंग बता दे रहे MORTUARY। अगला दिया गया है 16-20 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स आपका दिया गया है, डैश यू कम हेयर आई विल टीच यू। इसका बताइए क्या होगा, इसका अगर तुम यहाँ आओ तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो यहाँ पे इफ का प्रयोग करेंगे। ही वांट्स नथिंग एल्स, नथिंग एल्स बट होता है, आप लोगों ने ये सीधा याद किया होगा, टू गो टू बेड, ठीक है उसे बिस्तर पे जाने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है अब अगला दिया कि ही इज अफ्रेड डैश गोस्ट, अफ्रेड के बाद में हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लगते हैं, भयभीत, अफ्रेड माने भयभीत या डरा हुआ, ठीक है वह भूत से डरता है, इसके हिंदी। अगला दिया गया ही हैज एसोसिएटेड हिमसेल्फ डैश द लायंस क्लब, एसोसिएटेड के बाद में फिक्स प्रीपोजिशन आपकी दोस्तों क्या लगती है, विथ लगती है, एसोसिएटेड विथ। ठीक है 19 का राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, यही आपका चौथा बन जाएगा, एसोसिएट। अब 20 नंबर दिया गया एडिक्टेड के बाद में फिक्स प्रीपोजिशन कौन सी होती है बताइए जरा, एडिक्टेड टू किसी चीज़ के लिए लत है, वह मतलब सिगरेट पीने की लत है, मतलब सिगरेट की लत है उसके, ठीक है स्मोकिंग। अब ये है कि यहाँ पे आप लोगों को अब पैसेज थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है पैसेज आप लोग क्या करना, पैसेज को आप पूरा पढ़ लो, पहले आप लोगों का काम क्या रहता है, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, सबसे पहले पूरे पैसेज को पढ़ लो, सबसे पहले तो उत्तर देख लो, प्रश्न देख लो क्या क्या प्रश्न पूछे हैं, क्या क्या बने हैं, क्या क्या टाइप के प्रश्न दिए गए हैं, उसके बाद आप लोगों को तुरंत बोल बोल के या मन में आप लोगों को जल्दी जल्दी मन में आपको ये पूरे ऐसे ऐसे आप लोगों को पूरे जल्दी जल्दी आपको देखना, पूरा लास्ट तक देखना,
फिर उसके बाद में आप लोगों को देखना कि पहला क्वेश्चन क्या दिएगा, तो थोड़ा बहुत ध्यान रहेगा कि कहाँ ये लाइन आपकी थी, क्योंकि आप लोग इन्हीं में से लाइन आपको ढूंढ कर मिल जाएगी वो। ठीक है, तो पहले का राइट ऑप्शन बताइए क्या हो सकता है। चलिए बताइए जरा राइट ऑप्शन क्या बनेगा। पहले का यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा विच आर डेवलप्ड फॉर द स्पेसिफिक परपोजेस। अगला दिया दूसरा नंबर का बताइए राइट ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पे ओनली ए और बी हो जाएगा। तीसरा नंबर आप लोग 20 में स्कोर जरूर बताइएगा अगर आपने 16 क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि पैसेज के आपको माह मैराथन अलग से हम करा ही देंगे, तो 16 में बता दीजिएगा स्कोर पर, स्कोर जरूर बताइएगा। तीसरे नंबर का बताइए क्या हो सकता है, तो हैव टू लिंक्स विद सेंसरी रिसेप्टर्स। अगला दिया चौथा नंबर, चौथा नंबर का राइट ऑप्शन होगा पहला। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।